वंशवाद पर फलती फूलती कांग्रेस में एक बार फिर वंशवादी राजा की ताजपोशी की तैयारी होने लगी है। क्या पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की फिर से वापसी होनी है? सोनिया गांधी ने कांग्रेस की नई टीम तैयार की है और चुन चुन कर उन लोगों को प्रमुखता दी गई जो राहुल के दुलारे हैं। उम्र दराज और बूढ़े नेताओं को गेट आउट पोल दिया गया। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का नए सिरे से गठन किया गया। नया अध्यक्ष चुनने के लिए 6 नेताओं की टीम तैयार की गई है जो सोनिया गांधी को सलाह देगी और नए अध्यक्ष को चुनने में मदद करेगी। लेकिन उन नेताओं को कूचे से बाहर कर दिया गया जिन लोगों ने कांग्रेस को उसकी असलियत बताई। गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी जैसे नेताओं को बाहर कर दिया गया है। 7 अगस्त को सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखी गई थी और ऐसे लीडरशिप की मांग की गई थी जो फुल टाइम एक्टिव रहे, जिसकी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पैठ हो। इस चिट्ठी में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर भी सवाल उठाए गए थे और मांग की गई थी कि कार्यकर्ताओं के बीच कहीं कोई अध्यक्ष बनाया जाए जिससे कार्यकर्ता उसे जुड़े रहे। गुलाम नबी आजाद से तो कांग्रेस ने पुराना हिसाब भी चुकता किया है, उनकी महासचिव पद से छुट्टी कर दी गई है। इससे पहले वो यूपी के प्रभारी भी रह चुके थे। उनके राज में कांग्रेस यूपी में तकरीबन खत्म सी हो गई। पिछली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में गुलाम नबी आजाद ने राहुल गांधी के एक कथित बयान का विरोध किया था। 7 अगस्त को सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले नेताओं में वो अगुआ रहे थे। कांग्रेस में सालों से समर्पित कार्यकर्ताओं की क्या हैसियत है या पार्टी का सच से सामना कराने वालों की कितनी अहमियत है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे, अंबिका सोनी ये महासचिव थे, लेकिन अब सिर्फ वर्किंग कमेटी में एक मेंबर के तौर पर काम करेंगे। जिन लोगों को महासचिव के पद से हटाया गया है उनमें गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लोई जिन्हो फैलेरियो को शामिल किया गया है। इनमें से गुलाम नबी उन 23 नेताओं में शामिल थे जिन्होंने सोनिया गांधी को 7 अगस्त को चिट्ठी लिखी थी। फुल टाइम लीडरशिप और फील्ड में असर देखने वाले एक्टिवनेस जैसी बातें इस चिट्ठी में लिखी गई थी। दूसरी तरफ इस चिट्ठी के लिखे जाने का मतलब था कि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष ना बने। सबसे ज्यादा बड़ा झटका गुलाम नबी आजाद के लिए है क्योंकि अब उनकी राज्यसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। अगली बार पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी भी या नहीं, इस पर भी संशय है। इस लिस्ट में कुछ नाम को बड़ा ओहदा मिला है। एक दौर में कहते थे कि इंदिरा गांधी के 3 बेटे हैं, संजय गांधी, राजीव गांधी और तारिक अनवर। तारिक अनवर को अब केरल का प्रभारी बना दिया गया है। वर्किंग कमेटी में शामिल कर उनका कद बढ़ा दिया गया है। दिग्विजय सिंह को CWC में परमानेंट इन्वाइटी के तौर पर शामिल किया गया है। राजस्थान में पार्टी से बगावत कर चुके सचिन पायलट को अभी कूलिंग ऑफ पीरियड में रखा गया है। उन्हें कोई जिम्मेवारी नहीं मिली, लेकिन खबर है कि जल्द कोई बड़ी जिम्मेवारी से नवाजा जा सकता है। नई वर्किंग कमेटी में सोनिया गांधी के सबसे भरोसेमंद अहमद पटेल और पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी, केसी वेणुगोपाल और मुकुल वासनिक को जगह दी गई है। पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला को बड़ा प्रमोशन मिला है, अब वो महासचिव बन गए हैं। जबकि गांधी परिवार के करीब रहने वाले और पिछले साल पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की कुर्सी संभालने वाले मोतीलाल वोहरा को उम्र की वजह से बाहर कर दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के महासचिव थे, 78 साल के हो चुके थे, इसलिए महासचिव के पद से हटा दिया गया। 2019 में वो चुनाव हार भी गए थे। अंबिका सोनी भी 78 साल की हो चुकी थी, इसलिए महासचिव की कुर्सी छीन ली गई। खबर है कि सोनिया गांधी फिलहाल अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। 2021 में पंजाब या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सत्र होगा और इसी सत्र में राहुल गांधी की ताजपोशी होगी। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।